वंदना जी रसोई से अपने खाने की थाली लेने के लिए आईं तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू ने उनकी थाली को ऐसे ही खुला रखा हुआ था और बिल्ली उस भोजन में मुंह मार रही थी। यह देखते ही उनकी चीख निकल गई, क्योंकि वैसे भी उन्हें बिल्लियों से बहुत डर लगता था। वंदना जी के चीखने की आवाज़ सुनकर उनकी बहू भागती हुई रसोई में आई और कहने लगी, अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही हो, कहीं गिर गई हो क्या? बुढ़ापे में हड्डी मत तोड़वा कर बैठ जाना, तुम्हारी सेवा कौन करेगा? वंदना जी को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगी कि बहू इतना एक्स्ट्रा क्यों बोलती है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बहू मुझे कुछ नहीं हुआ है, वह सामने बिल्ली देखकर मेरी चीख निकल गई। उनकी बहू चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे आपके चिल्लाने की वजह से कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, आप तो छोटी छोटी चीज़ों से इतना डर जाती हैं कि चीखने चिल्लाने लगती हैं। अभी परसों ही आप छिपकली देखकर कितना जोर से चिल्लाई थी, आपके जैसे इंसान को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए, हर वक्त कुछ ना कुछ कांड करती रहती हैं आप। बहू की फटकार सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, बहू बिल्ली ने मेरी थाली जूठी कर दी, और खाना बचा है क्या? उनकी बहू कहने लगी, नहीं और खाना नहीं है, खाना केवल इतना ही बचा हुआ था, आपको खाना है तो यही खाना खा लीजिए। वंदना जी हैरानी से बोली, बहू मैं ये खाना कैसे खा सकती हूँ, खाने को तो बिल्ली ने जूठा कर दिया है ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बिल्ली खाने में मुंह मार रही थी, अगर खाना नहीं बचा है तो फ्रिज में से कुछ फल या और कुछ भी खाने के लिए दे दो, मुझे चलेगा, मुझे बहुत भूख लगी है और बस मुझे पेट भरना है। उनकी बहू मुंह बनाते हुए कहने लगी, मम्मी जी बिल्ली ने खाना जूठा कर दिया तो क्या हुआ, आप किनारे किनारे से खा लीजिए ना, अब आपके लिए दोबारा खाना थोड़े ना बनाऊंगी, और फ्रिज में कुछ नहीं है। इतना कहकर बहू ने फ्रिज में ताला लगा दिया। फिर भूखी सास ने दुख और अपमान के कारण अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बहू आज मैं मजबूर हूँ तो तुम मुझे बिल्ली का जूठा खाना खाने के लिए कह रही हो, देखना भविष्य में तुम भी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगी। बहू चिल्लाते हुए कहने लगी, आप मुझे बद्दुआ दे रही हो, मैं आपको दिन रात खाना पका पका कर इसलिए खिलाती हूँ क्या कि आप मुझे बद्दुआ दे सको? अरे आपको खाना देना बंद कर दूंगी ना, और दिन भर ऐसे ही भूखी तड़पती रहोगी तब मुँह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। वंदना जी की आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी, वो गुस्से में घर से बाहर निकल गई। अपने बच्चे की परवरिश के लिए उन्होंने कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं, ना तो उनके पति ने अपने भविष्य के लिए कोई खास बचत की और ना ही घर बनवाया। वह सारी जिंदगी मौज मस्ती करते रहे, केवल खाने पीने पर ध्यान दिया और बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, यह सोचकर कि बड़ा होने के बाद बेटा उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देगा। लेकिन आज जब बेटे के जीवन में सब कुछ था तो उसके जीवन में उस बूढ़ी माँ के लिए ही जगह नहीं थी। वंदना जी इधर उधर घूमने लगी, उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी। आखिरकार उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो वह एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुँच गई और काउंटर पर बैठे हुए आदमी से कहने लगी, बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, बदले में तुम कोई काम कहोगे तो मैं वो काम कर दूंगी। वह आदमी उसे दुत्कारते हुए कहने लगा, चल भाग यहाँ से, हमारे कस्टमर तुझे देखकर यहाँ से भाग जाएंगे, तुझ जैसी भिखारी औरतें रोज ही हमारे दरवाजे पर चली आती हैं, अगर सबको मुफ्त में खाना खिलाने लगे तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। तभी कार से उतर कर काला कोट पहने हुए एक आदमी रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हो गया और मैनेजर को डांटते हुए कहने लगा, मैनेजर साहब ये क्या तरीका है किसी बुजुर्ग औरत से बात करने का, आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी औरत से बात कैसे की जाती है? मैनेजर सकपकाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, सॉरी सर वो ये औरत खाना मांग रही थी। काले कोट वाला आदमी कहने लगा कि यह औरत केवल खाना नहीं बल्कि काम भी मांग रही थी, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। फिर वह वंदना जी की ओर घूमते हुए बोला, माँ जी आप मेरे साथ चलिए। वह उन्हें सम्मान के साथ रेस्टोरेंट के भीतर ले आया, एक टेबल पर बिठाकर उसने वेटर को खाना लाने के लिए कहा। उसने खुद सामने बैठकर उन्हें भरपेट भोजन करवाया। खाना खाने के बाद वंदना जी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब आप बहुत दयालु हैं, क्या आप मुझे कहीं कोई काम भी दिला सकते हैं? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी मैं कोई साहब नहीं, मेरा नाम अशोक है और मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, और आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस उम्र में भी आप कोई काम करना चाहती हैं, मैंने खुद अपनी मेहनत के दम पर यह रेस्टोरेंट खड़ा किया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेहनती लोग कैसे होते हैं, मुझे यह तो नहीं पता कि आप किस मजबूरी में इस उम्र में ये काम करना चाहती हैं, लेकिन मैं आपको काम जरूर दूंगा। हमारे यहाँ आप हेड शेफ के अंडर में रेस्टोरेंट स्टाइल में खाना बनाना सीखिए, फिर जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। शुरुआत में आपको 10,000 रुपये महीने मिलेंगे और जब आपका प्रमोशन हो जाएगा तब आपको 18,000 मिलने लगेंगे। तो बोलिए इतना आपके लिए काफ़ी तो होगा ना? वंदना जी खुशी के मारे गदगद हो उठी, उनकी आंखों में आंसू छलक आए और वह हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, साहब बहुत एहसान होगा आपका यदि आप मुझे यह काम दे देंगे। अशोक ने वंदना जी की हथेली को थामते हुए कहा, आप मेरी माँ की उम्र की है, आप मुझे साहब मत बुलाइए, आप मुझे बेटा कहकर बुला सकती हैं। वंदना जी का मन बहुत भावुक हो गया, उन्होंने कहा, बेटा मेरे बेटे बहू मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं,
कहते हुए तो मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन अगर हो सके तो मुझे इसी रेस्टोरेंट में रात को रुकने की जगह दे दो। धीरे धीरे मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूँगी, तो वहीं रहने के लिए चली जाऊँगी। अशोक कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं रेस्टोरेंट में रात में किसी को रुकने की इजाज़त नहीं दे सकता। यह सुनकर वंदना जी मायूस हो गई, लेकिन अगले ही पल अशोक कहने लगा कि आप मेरे साथ मेरे घर पर चल सकती हैं, वहाँ पर एक सर्वेंट क्वार्टर खाली है, आप वहाँ पर आराम से रह सकती हैं। वंदना जी ने नम आँखों से अशोक को देखते हुए बस हाथ जोड़ लिए। उस दिन के बाद से वंदना जी की जिंदगी बदल गई। दिन भर उन्होंने रेस्टोरेंट में बारीकी से सबको काम करते हुए देखा। जब रात हुई तो वह अशोक के साथ उसके घर चली गई। इधर सूरज जब घर आया और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि माँ कहाँ है, तो वह मुंह बनाते हुए कहने लगी, मुझे क्या पता, गई होंगी कहीं घूमने के लिए। सूरज परेशान हो गया क्योंकि रात के 10 बजने वाले थे और उसकी माँ घर पर नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि तुमने माँ का ध्यान क्यों नहीं रखा, अगर रिश्तेदारों को पता चलेगा कि माँ कहीं चली गई है तो पता है वह लोग मुझे कितना कोसेंगे। उसकी पत्नी मुंह बनाते हुए कहने लगी, मुझे रिश्तेदारों की नहीं पड़ी है, अच्छा हुआ जो तुम्हारी माँ खुद ही कहीं चली गई, कम से कम हमारे सिर से बोझ तो हटा। सूरज झुंझलाते हुए माँ को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। थक हार कर वह भी घर आ गया और वह मन ही मन माँ को कोसने लगा कि ये कैसी औरत है जो मेरे बारे में नहीं सोचती, बस अपनी सुविधा के हिसाब से फैसले लेते रहती है। लेकिन इसी बेटे ने कभी माँ के बारे में नहीं सोचा था और उसे आज अपनी इज्जत की चिंता हो रही थी। खैर, धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों में यह बात फैल गई कि वंदना जी घर छोड़कर कहीं चली गई हैं। सब लोग बेटे बहू को ही कोस रहे थे। सूरज सबके सवालों का जवाब देते देते परेशान हो गया था, इसलिए उसने अपने सभी रिश्तेदारों का नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। धीरे धीरे सभी लोग वंदना जी को भूलने लगे, लेकिन वंदना जी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद खुद भी हेड शेफ बन चुकी थी। अपना खर्च अब वो खुद उठाती थी, रहने की जगह तो अशोक ने उन्हें दे ही दी थी। वह अपनी जिंदगी में खुश थी और उन्हें अपने मतलबी बच्चों से अब कोई मतलब नहीं रह गया था। एक दिन वंदना जी रेस्टोरेंट से काम खत्म करके घर जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू को कुछ लोग पकड़कर एम्बुलेंस में डाल रहे थे। पूछने पर पता चला कि उनकी बहू का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए पागलखाने वाले उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं क्योंकि उसने पागलखाने से भागने की भी कोशिश की थी। यह सच्चाई जानकर वह हैरान रह गई। उन्होंने अपने बेटे की खोज खबर ली तो पता चला कि सूरज जेल में है क्योंकि वह अपने ऑफिस में घपला करते हुए पकड़ा गया था और कोई भी रिश्तेदार उसका साथ देने के लिए नहीं आया। आस पड़ोस के लोग भी उससे मुंह मोड़कर बैठे थे। ऐसी अवस्था में उसकी पत्नी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। उन लोगों की यह दुर्दशा देखकर वंदना जी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वह इन सब में अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बेटे बहू ने उन्हें इतना सताया था कि अब उनका मन भी उनकी तरफ से हट चुका था। उन्होंने चुपचाप अपनी नजरें फेर ली और सधे कदमों से चलती हुई आगे बढ़ गई क्योंकि वक्त ने शायद इंसाफ कर दिया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई अन्य कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।